नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेडर इन न्यूज में। आखिरी बॉल तक चले रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एशिया कप 2018 के फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से मात दे दी है। टीम इंडिया को ये जीत काफी संघर्ष के बाद मिली और इस मैच में बांग्लादेश ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया, खासकर उसके बल्लेबाज लिंटन दास और बॉलर रुबेल हुसैन का प्रदर्शन काबिलियत तारीफ रहा। हालांकि अपनी टीम के हार से बौखलाए बांग्लादेशी फैंस का गुस्सा भारतीय टीम और आईसीसी पर निकला। गुस्से की वजह बना थर्ड एम्पायर द्वारा लिंटन दास को स्टंप आउट करा देना। जी हां, आपको बता दें कि जब लिंटन 121 रन पर बैटिंग कर रहे थे और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तब कुलदीप यादव की एक गेंद पर उनका पैर क्रीज से बाहर चला गया और धोनी ने मौका ना गवाते हुए उन्हें स्टंप कर दिया। ये स्टंपिंग काफी क्लोज थी, यानी लिंटन दास का पैर क्रीज लाइन पर था और थर्ड अंपायर ने समय लेते हुए ध्यान से इस पर निर्णय लिया। हालांकि फैसला इंडिया के पक्ष में गया और थर्ड अंपायर ने लिंटन दास को आउट दे दिया। लिंटन दास को इसलिए आउट दिया गया क्योंकि नए नियम के अनुसार बैट्समैन के शरीर का कोई हिस्सा या बैट क्रीज लाइन के पीछे होना चाहिए। हालांकि ये बात बांग्लादेशी फैंस को रास नहीं आई और वे उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए आईसीसी और एम्पायर को कोसने लगे। वहीं भारतीय टीम के कई फैंस ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेश फैंस को नियम से अवगत कराने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अपनी टीम के हारने पर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा करने के लिए बांग्लादेश फैंस का मजाक भी बनाया।